टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी। ठीक है, तो अब हमें नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि इसकी जगह पे यहाँ पे टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी बन जाए। क्या एक्सप्रेशन क्या है, टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी, ये एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो इसकी तरफ ध्यान रखा। अच्छा, डब्लू वन डब्लू टू और डब्लू थ्री तो हमने क्या बोला, वो तो फिक्स हो गया पावर से 4 3 3। तो अब तुम इसको ऐसे देखो, इस डब्लू वन की जगह 4 फिक्स हो गया ये, ठीक है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को ये चाहिए, टू ए चाहिए। अब मेरे को नंबर ऐसे सेलेक्ट करना है कि यहाँ से टू ए बन जाए। तो टू ए कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ ए बाई टू लिख दूँ, तो ए बाई टू लिख दूँ तो 4 इंटू ए बाई टू टू ए हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, ऐसा करने से मतलब ए वन फिक्स हो गया कि फर्स्ट नंबर ए बाई टू होना चाहिए। फिर हमने ये देखा कि जो दूसरा वेट है, ये दूसरा वेट कितना है, 3। तो यहाँ इस डब्लू टू की जगह तो ये 3 फिक्स हो गया। अब ए टू मेरे को ऐसे सेलेक्ट करना है कि ये 3 बी बन जाए। तो 3 तो ये पहले से ही आ गया, तो बस ये तो बी हो गया डायरेक्टली, क्योंकि 3 बी लिखा हुआ है। तो ए टू कितना बन गया, बी, ये भी फिक्स हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे ये लिखा ना डब्लू वन डब्लू टू, ये जो लिखा है इसमें ये जो नंबर है डब्लू वन डब्लू टू और डब्लू थ्री, ये तीनों तो फिक्स हो गए, 4 3 और 3 ये होना चाहिए। इनके साथ अब हमें ए वन ए टू ए थ्री ऐसे चाहिए कि ये एक्सप्रेशन बन जाए, टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी बन जाए। ठीक है, तो ऐसे करके जो तीसरा वेट है, तीसरा वेट कितना है यहाँ से, 3, वो फिक्स है, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब इसके साथ हमें नंबर ऐसा लिखना है सी के टर्म्स में कि ये बन जाए। तो अगर मेरे को केवल सी चाहिए और यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है, तो इस 3 को नलीफाई करना पड़ेगा, तो सी बाई 3 हो गया। तो उसका मतलब क्या है, तीसरा नंबर सी बाई 3 हो गया। ऐसा करने से अब सब कुछ सेलेक्ट हो गया कि जो हमारे वेट्स हैं वो 4 3 एंड 3 होने चाहिए, और जो हमारे नंबर्स हैं वो ए बाई टू बी एंड सी बाई 3 ये होना चाहिए। तो बस अब तो बस इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, तो होल डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखा है, सम ऑफ वेट, तो वह आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 3, ये आ गया। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, पहला नंबर क्या है, ए बाई टू होल रेज टू पावर, पहला वेट क्या है, 4। दूसरा नंबर क्या है, बी रेज टू पावर 3। तीसरा नंबर क्या है, सी बाई 3 होल रेज टू पावर 3। और फिर दिस होल रेज टू पावर 1 ओवर, यहाँ क्या लिखा है, सम ऑफ वेट्स, तो वेट्स को सम कर लिया। वेट्स क्या क्या है, 4 3 3, तो कितना हो गया, 10। तो यहाँ कितना हो गया, बाई 10। तो यहाँ से फाइनली कितना हो गया, ये हो गया, ये तो यहाँ से तो वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है, उसको देख के तो लिखा ही है। ये तो हो जाएगा 2a + 3b + c / 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसमें कांस्टेंट को अलग कर दिया और ए बी सी को अलग कर दिया। तो एक तो आ जाएगा ए रेज टू पावर 4, बी क्यूब सी क्यूब तो अलग आ गया, एक आ जाएगा साथ में 1/2 रेज टू पावर 4 × 1/3 क्यूब होल रेज टू पावर 1/10, ये आ गया। ठीक है, अब हम वापस गए क्वेश्चन में, ये 2a + 3b + c इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 10। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो है 2a + 3b + c इसका वैल्यू 10 रख दिया, तो फिर क्या बन जाएगा। ठीक है, क्या लिखा था वैसे, 2a + 3b + c / 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ था, यहाँ क्या था, ए रेज टू पावर 4 b³ c³। ठीक है, यहाँ था ए रेज टू पावर 4 b³ c³, और साथ में कितना आ गया था, एक 1/2 रेज टू पावर 4 1/3 क्यूब शायद, लेट मी चेक, 2 रेज टू पावर 4 3 क्यूब, ये ठीक है। और ये होल पावर कितना था, 1/10। ये हो गया, अब क्वेश्चन में 2a + 3b + c इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 10। तो ये तो हो गया 10/10।
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए रेज टू पावर 4 बी क्यूब सी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 16 इंटू 27 होल रेज टू पावर 1/10। तो ये तो 1 हो गया, इस 10 पावर को उधर शिफ्ट किया तो 1 रेज टू पावर 10 तो 1 ही होगा। इज ग्रेटर देन ए रेज टू पावर 4 बी क्यूब सी स्क्वायर 1/16 × 27। ठीक है, पलट के लिख लिया इसको, कांस्टेंट्स को, इन कांस्टेंट को उधर ले गए फिर पलट दिया तो आ जाएगा ए रेज टू पावर 4 बी क्यू सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 16 × 27। ये आ गया। ठीक है, अच्छा वैसे तो ये वाली साइड क्या है, वेटेड है। ठीक है, उसको जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 1। तो वेटेड एम तो कितना आ गया, 1, अगर हमने नंबर्स को ऐसे सेलेक्ट किया, मतलब वो हमने अलग लिख के रख लिया, वेटेड एम बराबर कितना है, 1। ठीक है, अब क्या आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन या तो इसके बराबर है या इससे छोटा है, मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो उसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया। ठीक है, बट जैसा हम पहले कई बार बोल चुके हैं कि मैक्सिमम वैल्यू बोलने से पहले हम ये चेक करते हैं कि इक्वालिटी होल्ड करेगा भी या नहीं करेगा। तो वो इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब वेटेड एएम और वेटेड जीएम बराबर हो जाए। तो मैक्सिमम बोलने से पहले हमने चेक किया, तो फॉर इक्वालिटी टू होल्ड, ये ठीक है, वेटेड एएम शुड बी इक्वल्स टू वेटेड जीएम, ये ठीक है, और वो क्या होगा, ये ठीक है, दैट इम्प्लाइज ऑल नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, और जो हमारे नंबर थे वो क्या क्या थे, नंबर हमारे ए बी सी नहीं थे, नंबर एक तो ए बाई टू था, एक बी था और एक सी बाई थ्री था। ये ठीक है, ए वन ए टू ए थ्री ये लिए थे हमने, एक नंबर ए बाई टू था, एक बी था और एक सी बाई थ्री था। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल होने चाहिए। अब किसके इक्वल होने चाहिए, अभी जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि अगर मैंने केवल इधर उधर नहीं ले गए टर्म को, वेटेड एएम को एक तरफ रखा, जीएम को एक ही तरफ रखा, अभी इधर उधर मिलाया नहीं, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट किया तो वो 1 आया। ठीक है, तो वेटेड एएम का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो जब सारे नंबर बराबर होंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि अगर सारे नंबर के बराबर हो जाएँ, ठीक है, एक के नंबर के बराबर हो जाएँ, तो फिर वेटेड एएम भी के आएगा, वेटेड जीएम भी के आएगा, वेटेड एचएम भी के आएगा और सारे नंबर भी के आएंगे। ठीक है, तो इक्वालिटी होल्ड करने के लिए ये तीनों नंबर बराबर होने चाहिए, बट फिर ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये वेटेड एएम के भी बराबर हो जाएंगे, वेटेड जीएम के भी बराबर हो जाएंगे। अब वेटेड एएम हमें पता है 1 के बराबर है, तो इस बात का मतलब क्या है कि ए बाई टू, बी और सी बाई थ्री तीनों 1 के बराबर होना चाहिए, तभी इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए टू होना चाहिए, बी 1 होना चाहिए एंड सी 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा। तो बेसिकली हम क्या चेक करने आए थे, हम ये चेक करने आए थे कि इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलने से पहले हमने ये चेक किया कि इक्वालिटी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इक्वालिटी पॉसिबल है भी या नहीं है। तो यहाँ तो पॉसिबल है क्योंकि ए बी सी का वैल्यू निकल आया, अगर नहीं निकल पाता तो हम बोलते कि इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये मेथड ही डिस्कार्ड हो जाता, फिर हम और कुछ सोचते। ठीक है, बट यहाँ तो पॉसिबल है क्योंकि ए बी सी का वैल्यू आ गया। तो दिस इम्प्लाइज, बस अब लिख दिया हमने कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ए रेज टू पावर 4 बी क्यूब सी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ए रेज टू पावर 4 बी क्यूब सी स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 16 × 27। ठीक है, और कब आएगा ये, व्हेन ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 3। ये ठीक है, अब कोई बच्चा बोले ना कि ए मैं यहाँ पे 50 ले लूँ तो और भी बड़ा वैल्यू आ जाएगा, तो ए 50 ले नहीं सकते क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन भी दे रखा था क्वेश्चन में, ये रेस्ट्रिक्शन दे रखा था कि इसकी जो वैल्यू है 2a प्लस 3b प्लस c है, इसकी वैल्यू 10 ही आनी चाहिए और ए बी सी को पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये जो बेसिकली ए बी सी का वैल्यू निकल के आया है, ये क्या करेगा, ये जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि 2a प्लस 3b प्लस c 10 होना चाहिए, उसको भी सेटिस्फाई करेगा एंड साइमल्टेनियसली इसके लिए इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू भी आ जाएगा, विच इज दिस। वैसे
एबीसी का इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखो तो यही आ जाएगा, कैलकुलेट करो। ठीक है, बस इस मेथड से हमें पता लगा कि ये लेने पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, ये लेने पे जो क्वेश्चन में गिवन रिलेशन है वो सेटिस्फाइड भी रहेगा और ये मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा।